गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का संस्कृत में जो संस्कृत का इतिहास चैप्टर चल रहा है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, तो आज नेक्स्ट चैप्टर में जो बाकी का बचा हो वो करेंगे हम लोग। संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, ये चैप्टर जो है ये पूरा डिस्कशन कर चुकी हूँ मैं। जितने भी सिद्धांत थे सारे सिद्धांत डिस्कस हो चुके थे। उद्भव और विकास में जो आर्य भाषा थे, भारोपीय भाषा, तो भारोपीय भाषा में भी बाकी का जो भारोपीय भाषा का जो क्लासिफिकेशन था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत, अमेरिका, भूखंड, ये सारा पढ़ चुके थे। और भारतीय आर्य भाषा के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछले वीडियोस क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें मैक्सिमम डिस्कशन हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो काव्य था, काव्य का जो इतिहास था वो हम लोग लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब काव्य का जो भेद था, कितने भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, तो श्रव्य काव्य के भेद हम लोग कर चुके थे, पद्य, चंपू, कथा, आख्य का। और उसमें आपका जो दृश्य काव्य जो चल रहा था उसमें रूपक और उपरूपक, तो रूपक वाला पार्ट पूरा डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग उपरूपक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके संस्कृत लैंग्वेज पेपर 2 के सिलेबस में मेंशन है कि आपको ये सारा पढ़ना है, और इसमें आप लोग के कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, नो डिस्क्रिप्शन, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आंसर हम तभी कर सकते हैं जब आपको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तभी तो आप उसका ऑब्जेक्टिव आंसर कर पाएंगे। ओनली ऑब्जेक्टिव रट लेने से, या आपने मार्केट से ले लिया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो वो करने से तो नहीं होगा। वैसे ऑब्जेक्टिव आप तभी कर पाएंगे जब सब्जेक्टिव का पूरा डिटेल आपको नॉलेज हो। इसके लिए मैंने आपके लिए 25 सेट्स भी बनाए हैं, उसमें 40 क्वेश्चन का सेट्स दिया हुआ जिसमें आपका पूरा पोर्शन कवर है। आपको उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन जैसे संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, इससे सारा क्वेश्चंस है। कुछ कुछ आपके पहले चैप्टर जो है भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य, वेदांग, ये सबसे भी क्वेश्चन उसमें करवाए गए हैं। और संस्कृत साहित्य जो लिटरेचर पोर्शन है जैसे पूर्व मेघ है, उत्तर रामचरित है, अभी ज्ञान शाकुंतलम है, शिशुपाल वध, किराता अर्जुनियम, शिवराज विजय, तो ये सबसे क्या है, क्वेश्चंस आपसे उसमें किया गया। जैसे कितने सर्ग हैं, या कौन किसके रचयिता है, किसमें नायक कौन है, नायिका कौन है, या किराता अर्जुनियम में किराता कौन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुके। इवन कि शब्दरूप धातुरूप जो है इससे भी क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो 25 सेट्स, वो आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। आप आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो सेट्स दिए हुए हैं उसको क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें आपके कितने सेट्स दिए हुए हैं संस्कृत के, 25 सेट्स, ऑलमोस्ट उसमें 1000 क्वेश्चन कवर किया जा चुका है। तो आप उस क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं उसको देखकर। उसमें कुछ नहीं तो आपका एटलीस्ट 20-30% क्वेश्चन ऐसा है जो आपका एज इट इज क्वेश्चन में आ सकता है, तो उसमें आप रिविजन कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। साथ साथ आपके पेपर 3 के लिए भी, पेपर 3 में भी आपका जो सिलेबस है जीएस का, साइंस का, कंप्यूटर साइंस का, मैथ्स, रीजनिंग और झारखंड स्पेशल के 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर 3 में। तो ये सारा का सेट पहले ही दिया जा चुका है, जुलाई मंथ में ही सारा सेट का दिया हुआ है। आप उस सारे सेट्स को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको जो भी पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ये पोर्शन में प्रॉब्लम है, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साथ साथ आप उस चीज़ को जितना रिवीजन करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही आपका झारखंड करंट अफेयर जो कि झारखंड स्पेशल भी उसमें कवर किया जा चुका है, उसके भी वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप वो सब वीडियोज़ देखिए, सबका रिविज़न कीजिए। जितना आप अच्छा रिविज़न करेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स आएंगे, और मार्क्स अच्छा होगा तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपको अच्छा मिलेगा। तो ये सारा मैटर JSSC CGL के लिए हमारे चैनल पर दिया गया है, तो आप वो सारा चीज़ रिविज़न अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे रिलेटेड जो भी वीडियोस है, जो भी आपके काम के हैं, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं और इन सब का फ़ायदा ले सकते हैं। साथ साथ जीएस में भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए हिस्ट्री का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, साथ में MCQ भी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर, वो भी अवेलेबल है।
जो आपका भी 69th बीपीएससी होने वाला, उसके लिए जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो सारा डेली डिस्कशन हो रहा है, और साथ साथ बिहार स्पेशल, उसमें तो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है और बिहार स्पेशल भी आने वाला है। तो आपके लिए सारा मैटर अवेलेबल है, आपको सिर्फ वीडियो क्लिक करके उसको स्टडी करना है और बार बार रिविज़न करना है। सब आप ही के लिए, आप देखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच द कम्प्लीट वीडियो, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी नीडी पर्सन है आप उसको लिंक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग काव्य वाला जो पाठ चल रहा है उसमें जो दृश्य काव्य है वो कंप्लीट हो चुका है। दृश्य में जो रूपक के 10 भेद थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपरूपक। तो उपरूपक में भी कुछ कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपके नाट्य साहित्य में नाटक, भाण, प्रहसन, प्रकरण, व्यायोग, डिम, संवकार, विधि, यहा मृग, ये सारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम लोग क्या रहे, उपरूपक। तो उपरूपक में कितने थे, 18 थे अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ ने 18 उपरूपकों का क्रम रखा है, क्या है वह, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थानक, उल्लास, काव्य, प्रेखण रासक, संलापक, श्री गदित, शिल्पक, विलासिका, द्रुमल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीश और भाणिका। ये आपके 18 उपरूपक है, जिसमें से नाटिका, सट्टक और त्रोटक, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल दे चुकी हूँ। आज आप क्या पढ़ेंगे, नाट्योत्पत्ति, ठीक है। संस्कृत दृश्य काव्य का उद्भव कब और किस प्रकार से हुआ, इस प्रश्न का निश्चित समाधान करना कठिन है, फिर भी कुछ सिद्धांत का परिचय दिया जा सकता है। मतलब ये कठिन काम है बताना कि दृश्य काव्य कब और किस समय में हुआ, ये कोई आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता है। फिर भी जो जो मत आए थे उसके बारे में हम लोग, जो भी महर्षि या जो भी उस समय के थे नाटककार, वो उनके मत के अकॉर्डिंग हम लोग मान सकते हैं कि कब उद्भव हुआ होगा। तो भारत का क्या मत था, नाट्योत्पत्ति मतलब नाटक की जो उत्पत्ति हुई संस्कृत साहित्य में वो कब हुई और इसके क्या क्या कारण थे, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो भारत का मत क्या है, नाट्य विज्ञान पर सर्वप्रथम ग्रंथ नाट्य शास्त्र ही है, जिसका काल क्या था, 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो सबसे पहला कौन सा है, नाट्य शास्त्र, जिसकी रचना किसने की है, भरत मुनि ने की है। तो नाट्य विज्ञान पर सर्वप्रथम ग्रंथ नाट्य शास्त्री है, जिसका काल 100 ईस्वी ईसा पूर्व से 300 ईसा के बीच माना जाता है, ठीक है। कब माना जाता है, 100 ईसा पूर्व से 300 जो ईस्वी है उसके बीच, मीन्स 100 बीसी से लेके 300 एडी के बीच माना जाता है। भरत का मंत्र नाट्य शास्त्र में मिलता है कि सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ठीक है, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमें ऐसे मनोरंजन का साधन प्रदान करें जो दृश्य और श्रव्य दोनों से हो। मतलब उनके अनुसार भरत मुनि ने क्या कहा है, भरत मुनि के अनुसार कि सभी जो देवता थे वो ऋषि इनके पास गए, किनके पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसे मनोरंजन का साधन प्रदान करें जो दृश्य और श्रव्य काव्य दोनों है, मतलब जिसको हम लोग ऐसा देख भी सकें और सुन भी सकें। तो आप ऐसा कोई हम लोग को सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बताइए, कि उस समय में तो टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था कि आप जियो सिनेमा लगा लिए या वेब सीरीज लगा लिए, अमेजन प्राइम लगा लिए, नेटफ्लिक्स लगा लिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो देवी देवता जो देवता लोग थे उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा कुछ हम लोग को बताइए जिससे हम लोग का मनोरंजन हो और जिसमें हम लोग देख भी लें और सुन भी लें, सिर्फ सुनने से टाइम पास नहीं हो रहा है। तो फिर क्या किया गया, साधन प्रदान करे जो दृश्य और श्रव्य दोनों और जिसे सभी वर्णों के लोग ग्रहण कर सके, मतलब वो चीज ऐसा होना चाहिए जो सभी वर्ण के लोग, किसी भी वर्ण के लोग हों, सभी इस चीज का फायदा ले सके। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने इन प्रार्थना पर चार वेदों के सार भाग को लेकर, जो चार वेद थे ऋग्वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, चारों वेद को लेकर इसका जो समरी था वो लेकर इन चारों पर क्या किया, नाट्य वेद के रूप में पंचम वेद का निर्माण किया। चारों से जो इम्पोर्टेंट था, चार वेद से इम्पोर्टेंट लाइन लेकर पंचम वेद का क्या किया, निर्माण किया।
उन्होंने ऋग्वेद से क्या लिया? संवाद, सामवेद से संगीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया और अथर्ववेद से क्या लिया? रस लिया। ये सब लेकर उन्होंने क्या बनाया? नाट्य वेद की रचना की। ठीक है, तो इन सब से लेकर क्या बनाया गया? नाट्य वेद बनाया गया। तो ये आप लोगों को किसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा? भरत मुनि ने ऐसा कहा था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए तो नाट्य वेद बनाया गया किससे लेकर? सभी वेद से लेकर बनाया गया। ऋग्वेद से क्या लिया गया? जो ऋग्वेद था उससे पाठ्य मतलब संवाद लिया गया। सामवेद से क्या लिया गया? संगीत लिया गया। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस तत्व लेकर क्या बनाया गया? नाट्य वेद बनाया गया। ठीक है, संवाद सूक्तों से नाट्य की उत्पत्ति हुई है। मैक्स मूलर ये सब क्या उस समय के थिंकर हैं? मैक्स मूलर, सिल्लोवेली, फॉन, श्रोएदर, हर्टल आदि यूरोपीय विद्वानों ने यह सिद्धांत दिया कि ऋग्वेद से कतिपय संवाद सूत्र ही नाटकों का प्राचीनतम रूप है। तो इस जो थिंकर्स थे, जो मैक्स मूलर थे, सिल्लोवेली, फॉन, श्रोएदर, हर्टल, ये लोग कौन थे? यूरोपीय विद्वान थे। तो ये यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स से इन लोगों ने क्या दिया? एक थ्योरी दिया और कहा कि ऋग्वेद से कतिपय संवाद सूक्त ही नाटकों का प्राचीनतम रूप है। मतलब जो नाटक आए हैं तो ये कहाँ से आए हैं? ऋग्वेद के संवाद सूक्त जो है, जहाँ संवाद हो रहा है उस सूक्त से ही नाटक का प्राचीनतम रूप माना गया है। तो ऐसा किन लोगों ने कहा है? जितने भी यूरोपियन थिंकर्स थे, मैक्स मूलर, सिल्लोवेली, फॉन, श्रोएदर। अगर आपने पबैडिया सोशियोलॉजी या जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, आइदर सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पबैड हो, तो उनमें आपने इन थिंकर्स को पढ़ा है। तो वही थिंकर्स यहाँ भी है। तो उन्होंने क्या कहा कि ऋग्वेद के कतिपय संवाद सूक्त ही नाटकों के प्राचीनतम रूप हैं। वेबर जो है, मैक्स वेबर, उनका क्या कहना है? वेबर तथा विंडिस ने संस्कृत रूपकों का उद्भव क्या माना है? अब इसमें भी आपको वेबर का थ्योरी पढ़ना है। वेबर, स्पेंसर, ये डर्खाइम, ये सब यहाँ पे भी बोल रहे हैं। तो वेबर तथा विंडिस ने संस्कृत रूपकों का उद्भव यूनानी रूपकों से सिद्ध किया है। किससे सिद्ध किया है? यूनानी रूपकों से। पितलिका नृत्य सिद्धांत नेक्स्ट आपका आता है। ये तो वेबर्थ जो थे यूनानी सिद्धांत थे, और जो मैक्स मूलर के टाइम इन लोगों ने कहा था। ठीक है, तो इन संवाद सूक्तों में अगर आप संवाद सूक्त देखेंगे तो जो सूक्त है इसमें बहुत सारा है। मारुत जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं, तो वो आपको पढ़ना है नहीं उतना डिटेल। आप सुनने को सुन सकते हैं क्या क्या है। मारुत संवाद, अगस्त लोपामुद्रा संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, वशिष्ठ सुदास संवाद, यम यमी संवाद, इंद्र इंद्राणी, पुरूर्वा उर्वशी संवाद तथा सर्मापणी संवाद। ये क्या है? संवाद मुख्य संवाद है, प्रमुख संवाद है ये। ये किसमें है? ऋग्वेद के संवाद में। ठीक है, तो उसके बाद आपको यूनानी पढ़ना था। यूनानी में वेबर और विंडिस ने क्या बोला कि संस्कृत रूपकों का उद्भव यूनानी रूपकों से सिद्ध किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पुतलिका नृत्य सिद्धांत। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, पित हो गया, वो पित नहीं होगा, पुतलिका नृत्य सिद्धांत। अब ये कौन सा सिद्धांत है ये आप देख लीजिए। ये भी थ्योरी दी अपना प्रोफेसर पिशेल ने यह विचार दिया है। कौन से प्रोफेसर? प्रोफेसर पिशेल ने यह विचार दिया कि प्राचीन भारत में कठपुतलियों का नृत्य दिखाया जाता था। ये प्राचीन भारत में क्या अभी भी होता है कहीं कहीं? उसे ही सजीव रूप देने के लिए मानवों को मंच पर प्रस्तुत करके नाटकों का अभिनय प्रारंभ हुआ। इसमें जो प्रोफेसर पिशेल थे उन्होंने क्या कहा कि प्राचीन भारत में कठपुतलियों का नृत्य दिखाया जाता था। ठीक है, तो उसी को सजीव रूप मतलब उसको सजीव रूप देने के लिए मानवों को मंच पर प्रस्तुत करके नाटकों का अभिनय प्रारंभ हुआ। मतलब उसी को सजीव रूप मतलब इंसान जो ह्यूमन बींग्स से वो उस तरीके से एक्टिंग कर रहे थे, तो उसी को सजीव रूप देने गए, तो उसी से क्या हुआ? नाटकों का अभिनय प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये किनके द्वारा कहा गया? मुत्तलिका नृत्य सिद्धांत में, पुत्तलिका नृत्य सिद्धांत में ये कहा गया है। ठीक है, ये किसने कहा है? प्रोफेसर पिशेल ने कहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं मृतात्म श्राद्ध सिद्धांत।
इसको वीर पूजा सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या है? मृतात्म श्राद्ध सिद्धांत, क्या कहा जाएगा? वीर पूजा सिद्धांत। ये किसने दिया है? डॉक्टर रिजवे ने यह मत रखा था कि अपने मृत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रकार यूनानी दुखांत रूपकों का उद्भव हुआ था, उसी प्रकार भारत में भी अपने दिवंगत वीर पुरुषों के प्रति आदर दिखाने के लिए नाटक अभिनीत होते थे। मतलब इसमें क्या कहा गया कि जो प्रोफेसर रिजवे थे, उन्होंने क्या कहा कि अपने जो उनके जो पूर्वज थे, पूर्वज जो मृत पूर्वज वही होंगे जो मर चुके हैं, तो मृत पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न होता था उसको प्रदर्शित करने के लिए यूनानी क्या करते थे? दुखांत रूपकों का उद्भव करते थे, उद्भव हुआ था। तो उसी प्रकार भारत में भी अपने जो दिवंगत वीर पुरुष हैं, जो वीर थे, उनके लिए, उनको आदर भाव दिखाने के लिए ऐसा नाटक का अभिनीत होते थे। ठीक है, रामलीला, कृष्ण लीला, ये जो है इसी प्रकार, इसी प्रवृत्ति के पोषक दृष्टांत है। तो रामलीला और कृष्ण लीला किस में आते हैं? इसी में आते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रिजवे। तो इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था? मृतात्म श्राद्ध सिद्धांत, जिसको वीर पूजा भी कहा जाता है। तो ये सारे आपको ऐसे थ्योरीज पढ़ने हैं। नेक्स्ट है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाट्योत्पत्ति का मत मानने के लिए कि किसके अकॉर्डिंग नाट्योत्पत्ति क्या क्या था। दूसरा है उत्सव सिद्धांत। तो तीन सिद्धांत हो गए। ठीक है, उत्सव सिद्धांत क्या था? यूरोप के कुछ विद्वानों ने अपने यहाँ होने वाले में पोल नृत्य को संस्कृत रूपकों का प्रथम रूप माना है। आपने पोल डांस देखा होगा, बहुत सारे मूवी में आता है। एक अभी मुझे याद आ रहा है, इसका है क्या नाम है, वो श्रीलंका की जो एक्ट्रेस है उसका भी एक पोल डांस है, तो उसमें जैकलिन फर्नांडिस, अब मैक्सिमम एक्ट्रेस आजकल पोल डांस करती है। तो उस समय पोल डांस जो था, पोल नृत्य को संस्कृत रूपकों में प्रथम रूप माना गया है। तो यूरोप के कुछ विद्वान ने इसको माना है। तो यूरोप के कुछ विद्वानों ने अपने यहाँ होने वाले नाटकों में पोल नृत्य को संस्कृत रूपकों का भी प्रथम रूप माना है। मतलब वो जो एक पोल जैसा बना रहता है, उसमें जो एक्ट्रेस होती है वो डांस करती है, तो उस समय के सिद्धांत को में जो यूरोप में ये चल रहा था, तो कुछ जो यूरोप के जो थिंकर्स थे, उन्होंने ये माना कि हम लोग के यहाँ जो पोल डांस होता है, तो इनके यहाँ जो संस्कृत का जो नाटक होता है, तो उसमें उसमें भी ये क्या है, प्रथम रूप कह सकते हैं इसको भी, रूपक का ये प्रथम रूप मान सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग रूपक डिस्कस कर रहे हैं, रूपक में क्या है, नाटक है। आप अगर आपको याद होगा कि हम लोग दृश्य काव्य पढ़ रहे हैं, तो दृश्य काव्य का रूपक का हम लोग पहला क्या है, नाटक पढ़ रहे हैं। और इसमें जो नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में अनेक सिद्धांत आए। यूरोपियन का ये मानना था कि हम लोग के यहाँ जो पोल डांस होता है, तो इनके यहाँ जो नाटक होता है, तो वो भी उसका क्या है, उसमें भी यही होता होगा, संस्कृत रूपकों का प्रथम रूप कहा है। ठीक है, तो ये यूरोपीय सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छाया नाटक सिद्धांत। छाया नाटक सिद्धांत, जर्मन विद्वान ल्यूडर्स तथा स्टोन कोनो का मत है कि छाया नाटकों में जो छाया चित्रों का प्रदर्शन होता है, वही संस्कृत रूपकों का मूल रूप रहे होंगे। तो जो छाया नाटक होते हैं, आप शैडो फॉर्मेशन देखते हैं ना, कि वो शैडो आ रहा, मोनोक्रोम आर्टिस्ट जो करते हैं, शैडो वाला दिखाया जाता है। अगर आप डीयू में पढ़े होंगे या उसका थिएटर्स वो सब देखे होंगे, डीयू, जेएनयू या कहीं भी यूनिवर्सिटीज लेवल में ये सब होता है। तो ये जर्मन विद्वान ल्यूडर्स तथा स्टेन कोनो का मत है कि छाया नाटकों में जो छाया चित्रों का प्रदर्शन होता है, वही संस्कृत रूपकों के मूल रूप रहे होंगे। पहले तो था एक उत्सव सिद्धांत, इन्होंने बोला कि जो हम लोग के यहाँ जो पोल डांस होता है, तो संस्कृत में भी रूपक में जो नाटक होता है, तो उसमें भी इसी तरीके का होता होगा। छाया नाटक वाले क्या माने कि हम लोग के यहाँ जो छाया चित्र का प्रदर्शन होता है, तो इंडिया में भी जो रूपक चल रहा है, तो नाटक को उन्होंने यही माना कि छाया चित्र का जो हम लोग के यहाँ होता है, वही इंडिया में संस्कृत रूपकों का मूल रूप रहा होगा। तो सब अपने अपने तरीके से सिद्धांत को देते गए। ठीक है, तो ये इतने सारे सिद्धांत आपको किसके लिए थे, नाट्य उत्पत्ति, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई उसके सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। पहले था भरत का मंत्र, भरत मुनि ने दिया कि कैसे कैसे आया वो, तो इसके पीछे एक स्टोरी भी मैंने बताया आपको कि ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से क्या क्या लेकर बनाया गया नाटक को। उसके बाद जो संवाद सूक्त आया, फिर यूनानी ने क्या माना, फिर पुत्तपलिका, जो पुत्तिलिका नेत्र सिद्धांत था,
मृतात श्राद्ध सिद्धांत था, उत्सव सिद्धांत, छाया नाटक सिद्धांत, तो ये सबसे क्या नाटक की उत्पत्ति का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि क्या क्या आया और कैसे चला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे संस्कृत नाट्य की विशेषताएं। अब जो ये तो उत्पत्ति हम लोग समझ लिए कि सब अपने अपने हिसाब से देते गए, अब इसकी विशिष्टताएं क्या थी, मतलब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे वो पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सबसे आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, तो इतना डिटेल सिर्फ आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप इसको आगे चलकर याद रख पाएं। तो इसके संस्कृत नाटक की विशेषताएं क्या थी, भारतीय रूपक मनोरंजन प्रधान या आनंद परक होते थे। इसको क्या माना गया, भारतीय रूपक जो थे मनोरंजन प्रधान और आनंद परक थे, मतलब इसको देख के एंटरटेनमेंट होता था। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए थे। जो भरत मुनि थे उन्होंने क्या कहा, भरत ने इसकी व्याख्या की कि दुखी श्रांत शोकाकुल एवं तपखिन लोगों को सही समय पर विश्रांति प्रदान करने वाला ही यह नाट्य है। मतलब जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हमेशा शोकाकुल हैं, उन लोगों को, या खिन्न है दुखी, उन लोगों को सही समय पर विश्रांति प्रदान करने वाला, मतलब उन लोगों को विश्राम या शांत करने वाले जो बना वही नाट्य है। ठीक है, इसमें श्लोक भी, अब श्लोक आप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है पढ़ सकते, नहीं तो ऐसे भी आप समझ लीजिए, दुखार्तानाम श्रम श्रंतानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जन्म काले नाट्य मत भविष्यति। ठीक है, तो नाट्य को उन्होंने क्या बोला कि जो भी दुखी है, परेशान है, शोकाकुल है, जिनके लाइफ में बहुत सारे टेंशन है, वो डिप्रेस्ड है, तो वो सबसे बाहर निकालने के लिए नाटक आया और नाटक को देखकर सबको आनंद आने लगा, ये माना गया। ठीक है, संस्कृत रूपकों में दुखांत की व्यवस्था नहीं है, संस्कृत में जो रूपक हैं उसमें दुखांत की व्यवस्था नहीं है। मतलब कोई भी जो होता है, कोई भी आप मूवी देखते हैं तो हैप्पी एंडिंग वाला ही होता है ना, जिसमें हैप्पी एंड नहीं होता, मतलब कि उसका और आपको 1, 2, 3, 4, 5 तक हुआ मैक्सिमम पार्ट बन सकता है। जैसे कि आप बाहुबली देखिए, बाहुबली में एक एंड पे लाके छोड़ दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो उसका एंड क्या था, दुखांत नहीं था, मतलब दुखांत था, मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं था। हैप्पी एंडिंग अब नहीं रखते हैं क्योंकि उसका सीरीज चला चुके, जैसे आप वेब सीरीज देखते हैं तो वेब सीरीज में पहले में तो 10 देख लिए, अब उस 10 को आगे देखने के लिए अगर आप सेकंड सेशन देख रहे हैं तो 10 आपको याद होना चाहिए कि उसमें क्या क्या है। तो पहले क्या, पहले के मत में क्या था कि कोई भी अगर नाटक होगा तो उसका एंड जो है मतलब कि शोकाकुल नहीं होगा, हैप्पी एंडिंग ही होगा। ठीक है, तो 10 प्रकार के संस्कृत रूपकों में दुखांत की व्यवस्था नहीं थी, जो भी खत्म होगा, जो भी नाटक चलेगा वो क्या होगा, हैप्पी एंडिंग से चलेगा, खुश खुश होकर खत्म करेंगे, एंड मतलब रोने धोने वाला नहीं होगा। अब ऐसा ट्रेंड चल गया है ना, अब इसलिए चला है कि आप उसको और बढ़ा सकें, उसको सीरीज पे सीरीज, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 करके देखते रहें, इसलिए ऐसा हुआ है। तो हम लोग संस्कृत की बात करें, बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ 10 प्रकार के रूपक और 18 प्रकार के उपरूपक होते हैं। कितने होते हैं, 10 प्रकार के रूपक जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग 18 प्रकार के उपरूपक पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रकरण, प्रहसन, भाण, नाटिका, सट्टक आदि भी बहुत संख्या में लिखे गए हैं। ये ऐसा नहीं कि एक ही दो है, बहुत सारा संख्या में लिखा गया है, आप उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। इस प्रकार संस्कृत दृश्य काव्य का क्षेत्र व्यापक है। तो जो संस्कृत में दृश्य काव्य का क्षेत्र जो है व्यापक है, मतलब आपको बहुत सारे काव्य ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कि दृश्य है, मतलब नाटक की तरह है। संस्कृत रूपकों में कथानक का विकास कुछ सिद्धांतों पर आश्रित होता है। इसमें जो कथानक है उसका विकास कुछ सिद्धांतों पर आश्रित होता है। कथानक को अर्थ प्रकृतियों, अवस्थाओं और संधियों में विभक्त किया जाता है। कथानक को किस में डिवाइड किया जाता है, अर्थ प्रकृतियों में, अवस्थाओं में और संधियों में विभक्त किया जाता है। पात्र इसमें कैसे होते हैं, पात्रों की व्यवस्था भी रूपकों के विभाजन के आधार पर है। जितने रूपक में जैसे होता था वैसे पात्र का भी विभाजन होता है। मुख्य पात्र नायक और नायिका है, मुख्य पात्र ऑब्वियसली वही होंगे, नायक नायिका, इनके भेदों पर भेद माने गए हैं। नायकों को धीरोदात, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित के रूप में 4 प्रकार माना गया है। नायक के कितने प्रकार माने गए हैं, 4 प्रकार, क्या क्या है, धीरोदात, धीरो उद्धत, धीर प्रशांत और धीर ललित, ये सब क्या है, नायक के प्रकार हैं। संस्कृत रूपकों का पारस्परिक भेद रस प्रयोग के कारण भी है। इसमें रस का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
नाटक की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो नाटक की विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसमें रस प्रधान रस के बारे में बात होगा, नायक नायिका के बारे में बात होगा, कथा कहानी कैसा उसके बारे में बात होगा। संस्कृत रूपकों को पारस्परिक भेद रस का प्रयोग कारण भी है। तो नाटक में क्या कौन कौन से रस होते हैं, सबसे ज्यादा तो श्रृंगार रस के आपको नाटक मिलेंगे, वीर रस, शांत रस, ये सब क्या है, मुख्य रस है। तो श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस को ही मुख्य रस नाटक के रूप में दिखाया जाता है। भवभूति ने करुणा रस को प्रधान रस दिया, अब किसने किस रस को प्रधान माना उसके बारे में भी आपको देखना है। भवभूति ने करुण रस को प्रधान स्थान दिया है, अन्य सभी रसों को यथोचित निवेश होता है, ठीक है। नाट्य शास्त्रियों ने जीवन के कुछ क्रियाओं का मंचन ही दृष्टि से वर्जन किया है, अनुचित असभ्य और अशुभ दृश्य मंच पर नहीं दिखाए जाते हैं। जो अनुचित है, असभ्य मतलब अनसिविलाइज है, अनुचित है, अशुभ है, वो चीज जो है दृश्य मंच पर नहीं दिखाए जाते हैं, जैसे युद्ध, मृत्यु, निंद्रा, शाप, भोजन, ये सब चीज जो दृश्य नाटक है उसमें नहीं दिखाए जाते हैं। कौन कौन से, युद्ध, मृत्यु, निद्रा, संभोग, ये सब चीज, श्राप, भोजन, ये सब चीज नहीं दिखाया जाएगा। ये सब चीज हम लोग क्या सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। उसके बाद है भाषा का प्रयोग कैसा होगा, भाषा का प्रयोग, भाषा प्रयोग का विधान संस्कृत रूपकों की महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो इसमें जो भाषा का प्रयोग होगा इसमें संस्कृत रूपकों की महत्वपूर्ण विशिष्टता है। भरत ने ही विधान किया था कि उच्च और मध्यम वर्ग के पात्रों को की भाषा संस्कृत होगी, ये किसने बोला, भरत ने बोला। प्राकृत में भी क्षेत्रीय प्रभेदों का विधान की दृष्टि से सामान्यता महाराष्ट्रीय, सौरसेनी, मगधी और अर्धमागधी प्राकृतों का प्रयोग होता है। इसमें आप देखेंगे कि भाषा ज्यादातर संस्कृत है और जो क्षेत्रीय भाषा भी, क्षेत्रीय भाषा के भी हैं, जो नायिका होती है वो क्षेत्रीय भाषा में बोलती है। कुछ आप पढ़े होंगे कि वासुदत्ता है वो किस में बोल रही है, तो जो क्षेत्रीय भाषा में कौन कौन सी है, महाराष्ट्रीय, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी प्राकृतियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रूपक भी धर्म के उपकरणों का यथेष्ट प्रयोग करते हैं, जो धर्म के प्रयोग हैं उसका भी यथेष्ट प्रयोग करते हैं, जैसे नांदी या प्रस्तावना में देशस्तुति, भरत वाक्य में आशीर्वाद लेना। जब भी कोई नाटक शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, मंगलाचारण, मतलब स्टार्टिंग में भगवान को या किसी की माता पिता या देवी देवता सबको क्या समर्पित दिखाया जाता है। तो ये सारा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाटक की विशेषता पढ़ रहे हैं। संस्कृत रूपकों में रसोद्भावन की दृष्टि से उचित स्थान पर पद्य प्रयोग भी किया जाता है। इसमें क्या है, उचित स्थान पर पद्यों का भी प्रयोग होता है, सिर्फ गद्य गद्य ही नहीं होगा, पद्य को भी स्थान दिया गया है। उसके बाद है विदूषक का प्रयोग, संस्कृत रूपकों में हास्य व्यंग के निवेश के लिए होता है। जो विदूषक होते हैं, विदूषक क्यों होते हैं, कॉमेडी के लिए होते हैं। विदूषक का प्रयोग संस्कृत रूपकों में हास्य व्यंग के निवेश के लिए होता है, वह कथानक का भी अंग होता है और वह कथा प्रवाह को भी आगे बढ़ाता है, मतलब वो कहानी की, जो कहानी को आगे बढ़ाता है और कथानक का इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है। तो ये सब हम लोग किसका इम्पोर्टेंस पढ़े, हम अभी हम लोग जो नाट्य शास्त्र है, मतलब नाटक में जो है संस्कृत नाटक की विशेषताएं थी, ये सारी आपको विशेषताएं एक बार पढ़ लेना है। नांदी पाठ से नाटक का प्रारंभ और भरत वाक्य से समाप्ति, समाप्ति किससे होगा, भरत वाक्य से होगा। अंकों की योजना, बीच बीच में विश्वभंगक, प्रावेशक आदि देना, ये सब रचना प्रक्रिया के मुख्य अंग है। तो ये सब क्या है, मुख्य अंग है, ये आपको एक एक बार इसको रिवीजन कर लेना है। तो ये जो हम लोग पढ़े ये क्या पढ़े, संस्कृत नाटक की विशेषताएं। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं गद्य साहित्य में। अब आपको क्या पढ़ना है, गद्य साहित्य। ठीक है, गद्य साहित्य पढ़ना है आपको। गद्य शब्द किस धातु से बना है, गद्य शब्द गद धातु, इसमें क्या है, व्याक्त्याम वाची से यत प्रकार, यत प्रत्यय लगाया गया है, यत प्रत्यय लगा के क्या बना है, जिसका अर्थ है मानव की अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया। इसका अर्थ क्या है, गद धातु में यत प्रत्यय लगाकर बनता है गद्य, और इसका अर्थ क्या होता है, मानव की अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया। दंडी ने
काव्यादर्श में गद्य काव्य की परिभाषा देकर इसे आख्यायिका और कथा के रूप में विभाजित किया है। ये किसमें विभाजित है? आख्यायिका और कथा के रूप में। ऐसा किसने कहा है? दांडी ने कहा है। तो अभी आपको पूरा गद्य के प्रकार पढ़ने हैं, गद्य के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है? तो गद्य के प्रकार में आ जाइए आप। अपादः पदसन्नातानु गद्यम आख्यायिका कथा, जो आपने ऊपर बोला पढ़ा, गद्य काव्य की परिभाषा देकर इसे आख्यायिका और कथा के रूप में विभाजित किया है। गद्य काव्य लिखना कवियों की कड़ी परीक्षा है। गद्य काव्य जो लिखता है उसमें क्या है? कवियों की कड़ी परीक्षा, मतलब इतना इजी नहीं होता गद्य लिखना। गद्य का प्रथम रूप यजुर्वेद की संहिताओं में मिलता है। गद्य का प्रथम आप प्रूफ कहाँ मिलेगा? यजुर्वेद की परिभाषा में मिलेगा। गद्य काव्य इतना कठिन है, इतना कठिन और विरल हो गया है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक उक्ति चल पड़ी थी। जब 8वीं शताब्दी था तो उस समय एक उक्ति, मतलब ऐसा कहा जाता था कि गद्यम कविनाम निष्कर्ष वदंती, अर्थात गद्य काव्य लिखना कवियों की सबसे बड़ी परीक्षा है। कोई भी कवि अगर गद्य काव्य लिखता है तो वो अपने लाइफ का टफेस्ट एग्जाम फेस कर रहा है, ठीक है? गद्य का प्रथम रूप हम लोग को कहाँ पे मिलता है? यजुर्वेद की संहिताओं में मिलेगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए। यजुर्वेद की परिभाषा ही दी गई है। यजुर्वेद का परिभाषा क्या दिया गया है? अनियत अक्षर वाशा नाम यजु, अर्थात गद्यात्मक यजु। कृष्ण यजुर्वेद की तात्रीय काठक और मैत्रायणी संहिताएं अधिकांशतः गद्यात्मक है। कौन कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद की जो तात्रीय है, काठक है और मैत्रायणी जो संहिताएं हैं अधिकांशतः क्या है? गद्यात्मक है। ये गद्य के फॉर्म में दिया हुआ है। आप लोग अभी गद्य पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश के रूप में आपका क्वेश्चन आता है कि ये जो अनसीन पैसेज है वो क्या है? गद्य ही है। ऐसा गद्य जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। कृष्ण यजुर्वेदीय में तात्रीय काथक और मैत्रायणी संहिताएं अधिकांशतः क्या है? गद्यात्मक है। ब्राह्मण और आरण्यक जो पूर्णतः क्या है? गद्य में ही है। पतंजलि का महाभाष्य, सबर स्वामी का साबर भाष्य मीमांसा दर्शन, शंकराचार्य का शाकरी भाष्य इत्यादि क्या है? उत्कृष्ट शास्त्रीय गद्य है। कौन कौन से शास्त्रीय गद्य हैं? पहला है आपका पतंजलि का महाभाष्य, अगर आप महाभाष्य पढ़ें वो क्या है? उत्कृष्ट गद्य है। सबर स्वामी का सबर भाष्य मीमांसा दर्शन पर है ये। शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य ब्रह्मसूत्र पर है। ये सारा क्या है? उत्कृष्ट शास्त्रीय गद्य के रूप है। ये सब आपको गद्य फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट है आचार्य शंकर की गद्य शैली प्रसन्न गंभीर है। इसका परिमाण भी प्रचुर है, क्योंकि 10 उपनिषदों गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखे हैं। ठीक है, क्या क्या लिखे हैं उन्होंने? 10 उपनिषद गीता ब्रह्म सूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखे हैं। तो ये किसने लिखा है? आचार्य शंकर की गद्यशैली है ये, ठीक है? तो ये आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? गद्य पढ़ रहे हैं। पतंजलि ने 3 आख्यायिकों के नाम दिए हैं। पतंजलि के 3 आख्यायिका क्या है? क्या क्या है? वासव दत्ता, सुमनोत्तरा तथा भैरम रथी। ये क्या है? पतंजलि के हैं। साहित्यिक गद्य का प्रयोग अनुमान, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा ही दी गई सूचनाओं से प्राप्त होता है। ये जो साहित्यिक गद्य आया है ये कहाँ से, इसका प्रयोग का अनुमान आपको कहाँ से लगता है? जब कात्यायन और पतंजलि के द्वारा दी गई सूचनाओं से होता है। कात्यायन और पतंजलि ने ये सूचना दिया है कि साहित्यिक गद्य का प्रयोग हुआ है। कहाँ कहाँ पे हुआ है? तो पतंजलि के 3 आख्यायिका में प्रयोग हुआ है, वासव दत्ता, सुमनोत्तरा और भैरम रथी में। ठीक है, साहित्यिक गद्य का स्पष्ट उदाहरण और कहाँ कहाँ मिलता है साहित्यिक गद्य का स्पष्ट उदाहरण? साहित्यिक गद्य का स्पष्ट उदाहरण आपको मिलेगा
अभिलेखों से प्राप्त होता है। इस दृष्टि से रुद्र दमन, आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रुद्र दमन का गिरनार अभिलेख जो है उसमें आपको मिलेगा। रुद्र दमन का गिरनार अभिलेख 50वीं ईसा पूर्व जो है उसमें, तथा हरिशेनकृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त प्रशस्ति है उसमें आपको, जो प्रयाग में है, प्रयाग स्तंभ लेख 360 ईस्वी की विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये आपको साहित्यिक गद्य का एग्जाम्पल है। कहाँ पे मिलेगा आपको? जो अभिलेख है, जो दो अभिलेख प्राप्त होते हैं, कौन से? रुद्र दमन का गिरनार अभिलेख और समुद्रगुप्त प्रशस्ति जो है, हरिशेनकृत जो है, इन दोनों में आपको मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख में। इसमें आपको क्या एग्जाम्पल मिल रहा है? जो साहित्यिक गद्य लेख का, इन दोनों में एग्जाम्पल आपको मिलता है। साहित्यिक गद्य का स्पष्ट उदाहरण अभिलेखों में प्राप्त होता है, तो ये अभिलेख में आपको मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट आपको इसी में आपको डिटेल पढ़ना है थोड़ा सा। साहित्यिक गद्य का स्पष्ट उदाहरण कहाँ मिलेगा? अभिलेख में। कौन कौन से अभिलेख में? एक रुद्र दमन का गिरनार अभिलेख है, और दूसरा हरिशेनकृत का क्या है? समुद्रगुप्त प्रशस्ति, जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें है। इसमें क्या आपको पढ़ना है? समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं के और व्यक्तिगत गुणों का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है? समुद्रगुप्त जो जहाँ जहाँ विजय प्राप्त की और जो उनका व्यक्तिगत गुण है वो सब का वर्णन प्रशस्ति प्रयाग अभिलेख में आपको मिल जाएगा। साहित्यिक गद्य का विकासशील रूप दंडी, सुबंधु या बाण की रचनाओं से प्राप्त होता है। ये आपको कहाँ, किस किस की रचनाओं से मिलेगा? आप दंडी का रचना अगर पढ़ते हैं, सुबंधु का और बाण की, इनकी रचनाएं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको गद्य का जो विकासशील रूप है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गद्य काव्य के भेद। अब गद्य काव्य के भेद कौन कौन से वो आपको पढ़ना है। संस्कृत गद्य काव्य के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, कथा और आख्यका। कौन कौन से भेद हैं? कथा और आख्यका, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो कथा और आख्यका में कौन कौन से आ जाते हैं वो पढ़ लीजिए आप। आख्यका ऐतिहासिक विषयों पर एवं पूर्णतः काल्पनिक विषयों पर आश्रित होती है। आख्यिका कैसी होती है? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल होता है, और पूर्णतः काल्पनिक मतलब पूरा वो कल्पना पे आधारित, विषय पर ही आधारित होती है। तो ये किसके भेद हैं? संस्कृत गद्य काव्य के दो भेद हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि संस्कृत गद्य काव्य के प्रमुख भेद कौन से हैं, तो प्रमुख भेद कितने माने गए हैं? दो माने गए हैं, कथा और आख्यिका। और ये किस पे बेस्ड होते हैं? ऐतिहासिक विषयों पे बेस्ड होते हैं, और टोटली वो क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं, जो आप अपने आप से कल्पना करके बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाणभट्ट की गद्य रचनाओं में हर्षचरित आख्यायिका तथा कादंबरी के कथा के रूप में प्रसिद्ध हुई है। आप बाणभट्ट की गद्य रचनाओं में देखेंगे हर्षचरित आख्यायिका तथा कादंबरी कथा के रूप में प्रसिद्ध है। ये क्या है? ये गद्य काव्य है। कथा के आरंभ में पद्यों के द्वारा सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा तथा कवियों के वंश का वर्णन होता है। ये क्या होता है? जब कथा का कहानी का जो स्टार्टिंग होता है तो उसमें क्या होता है? वो पद्य के द्वारा स्टार्ट होता है, उसमें जो सज्जन है, जो अच्छे लोग हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है, जो दुष्ट हैं उनकी निंदा की जाती है, तथा कवियों के वंश का वर्णन मतलब वो किस वंश से हैं, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके जो पूर्वज हैं, सब का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कथा का विभाजन नहीं होता है। आख्यायिका उच्छ्वासों या निःश्वासों में विभक्त होती है। जो कथा होता है उसका विभाजन नहीं होता है, और जो आख्यायिका होती है वो क्या होती है? वो विभक्त होती है। किसमें? निःश्वासों और उच्छ्वासों में विभक्त होती है। तो आपको यह पढ़ना था, कथा में कथा वस्तु कवि कल्पित होती है। कथा में क्या होती है? जो कथा वस्तु होती है वो कवि कल्पित होती है। आख्यायिका में क्या होती है? ऐतिहासिक होती है। कथा के आरंभ में पद्यों द्वारा सज्जनों की प्रशंसा होती है, दुष्टों की निंदा होती है। ये क्या हो जाती है? ये सब में आपको मिलेगा। कथा के मुख्य कथानक को लाने के लिए दूसरी कथा से आरंभ किया जाता है। मतलब आप मुख्य में आते हैं तो पहले वाले का थोड़ा इंट्रो देना पड़ता है। उच्छ्वासों के आरंभ में भावी घटना का परोक्ष निर्देश करने वाले पद्य भी होते हैं। मतलब जो उच्छ्वास होते हैं, जो आप आख्यायिका में क्या होते हैं, जो
आख्यायिका के आरंभ में भावी घटना जो होने वाले हैं उसके परोक्ष का निर्देश करने वाले पद्य भी होते हैं, मतलब इसमें थोड़ा बहुत पद्य का भी यूज किया जाता है। आख्यायिका में कवि अपना वृत्तांत देकर, आख्यायिका में क्या होता है, कवि अपना वृत्तांत देकर मुख्य कथा को आरंभ करते हैं। जो मुख्य कथा को आरंभ करेंगे तो आख्यायिका में क्या होता है, कवि अपना वृत्तांत मतलब पूरा सुनाने के बाद थोड़ा सा मुख्य कथा आरंभ करते हैं। इन दोनों की समानता के तत्व भी बहुत हैं और दोनों के डिफरेंस अंतर और दोनों में समानता भी बहुत है। तो दोनों में समानता क्या क्या होती है, दोनों की रचना संस्कृत गद्य में होती है, दोनों की रचना क्या होगी संस्कृत गद्य में होगी, गद्य की शैली दोनों में समान होगी, दोनों का जो लिखने का शैली क्या है समान होगा, रस और भावों का समान रूप से प्रयोग होगा, रस भी होगा और भाव भी होगा, नगर वन सरोवर राजा राजसभा मृगया ये सारा समान रूप से वर्णन होगा। तो ये आपको आख्यायिका और कथा के बारे में अभी आप पढ़ रहे थे कि दोनों का अंतर क्या है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। कथा का विभाजन नहीं होता है लेकिन आख्यायिका में क्या होता है, विभाजित होता है। उच्छ्वासों का आरंभ में भावी घटना का परोक्ष निर्देशन करने वाले पद भी होते हैं। कथानक के कथा में मुख्य कथानक को लाने के लिए दूसरी कथा से आरंभ किया जाता है। तो ये सब क्या दोनों के बारे में बताया जा रहा है। अब आपको क्या पढ़ना है, गद्य काव्य के क्या भेद थे, तो गद्य काव्य के भेद क्या क्या हैं। संस्कृत गद्य काव्य के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, कथा और आख्यायिका। ये आप पढ़ चुके हैं कि ये दो भेद माने गए हैं। अब गद्य के प्रकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो गद्य के प्रकार कौन कौन से हैं, समास के प्रयोग तथा वित्त भाग के निवेश की दृष्टि से गद्य के चार प्रकार माने गए हैं। मतलब गद्य आप पहले क्या पढ़ें, कथा और आख्यायिका के भेद पढ़ें जो कि गद्य काव्य के भेद थे। इन दोनों के भेद पढ़ लिए, दो भाग में विभाजित थे। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे क्या क्या है। समास के प्रयोग तथा वित्त भाग के निवेश की दृष्टि से गद्य के चार प्रकार माने गए हैं। कितने माने गए हैं, चार माने गए हैं। क्या क्या, मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कली प्राय और चूर्णक। क्या क्या है, ये चार भेद हैं। समास से रहित गद्य रचना को क्या कहते हैं, मुक्तक, जिसमें समास नहीं होता उसको मुक्तक कहते हैं। जहाँ गद्य में छंद के अंश आ जाएं उसे क्या कहते हैं, वृत्तगंधी कहते हैं, वृत्तगंधी। जहाँ गद्य में छंद के अंश आ जाए उसे क्या कहेंगे, वृत्तगंधी कहेंगे। तीसरा आपका क्या है, उत्कली प्राय, लंबे समास से युक्त गद्य उत्कली प्राय कहलाता है। और जो आपका लास्ट है क्या है, चूर्णक, अल्प समासों से युक्त गद्य को क्या कहा जाता है, चूर्णक कहते हैं, ठीक है। तो ये गद्य के प्रकार थे, कितने थे, चार प्रकार थे, मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कली प्राय और चूर्णक। तो ये आपको गद्य के चार प्रकार पढ़ने हैं। तो आज आपको यहीं तक पढ़ना है, कल फिर इससे आगे का पढ़ेंगे, गीति काव्य के भेद, ये सारा चीज़ कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनका संस्कृत लैंग्वेज पेपर 2 है वो सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट आपका दिया हुआ है 25 सेट का, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो और प्लस पेपर 3 का भी सब्जेक्ट्स आपको मेंशन किए गए हैं, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो उन सबको आप वीडियोस को रेगुलर देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी वीडियोस दिए हैं उनको देखकर आप अपना जो भी आपका यूज़फुल मटेरियल है वो आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है आप क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, और कंप्लीट ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको मैटर समझ में आएगा। आप अभी जो ये संस्कृत साहित्य का इतिहास चल रहा है उसमें मान लीजिए 10th है, आप कभी पार्ट 1 देखे फिर पार्ट 3rd देखे 6th देखे तो ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू मेंटेन द रेगुलरिटी, आप रेगुलर उसको देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और इसके साथ साथ आपका BPSC के लिए करंट अफेयर चल रहा है, और साथ ही BPSC स्पेशल भी स्टार्ट होने वाला है। तो ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड ट्राई टू मेंटेन द रेगुलरिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट्स।